मैं देखो आप, मैं ना आपको बहुत सिंपल सिंपल बिजनेसेस सजेस्ट करने वाली हूँ, बहुत सिंपल सिंपल, कि जो बहुत रॉकेट साइंस भी नहीं है और आपके खुद के, आपको खुद को पता है कि आपको आता है लेकिन आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया कि मैं इसमें पैसे भी कमा सकती हूँ, मैं ऐसे वाले बिजनेसेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, कोई प्रोफेशनलिज्म के रिगार्डिंग मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ। चैनल लाइफ सिंपलीफाइड बाय सारिका। ओके, तो क्या हो जाता है, कभी कभी घर पे रहना बाय चॉइस भी होता है और कभी कभी बाय सिचुएशंस भी हमें ये डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि जॉब छोड़ के घर पे बैठना पड़ता है। सो दैट्स ओके। लेकिन अगर आपके दिल में वो नहीं क्या है कि मुझे कुछ करना ही है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है किसी भी चीज को लेके, तो आज का ये वीडियो उसी के लिए है। विदाउट इन्वेस्टमेंट हम घर से क्या क्या कर सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है वो या जॉब भी हो सकता है वो, आपके ऊपर है आप उसको किस एंगल से देखते हो। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी कि हम घर पे बैठ के क्या क्या काम कर सकते हैं जिससे हमारा अर्निंग स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट वाले ही काम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये होगा पार्ट वन, और पार्ट टू में देखेंगे विद इन्वेस्टमेंट वाले। पहला क्या है मेरी तरफ से सजेशन, हम क्या कर सकते हैं जो सबको पता है कि हम डे केयर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपका खुद का बेबी विद इन 6 ईयर का है तो आप बेशक एक डे केयर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टॉयज अवेलेबल हैं और आप खुद वही सारा काम दिन भर कर रही हो तो एक बेबी हैंडल करना इतना भी इजी नहीं होता, लेकिन आप कर पाओगे। और अगर आपका बेबी सिंगल है तो उसको भी कंपनी मिल जाएगी एंड आपका भी इनकम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि डे केयर के मेरे हिसाब से 8 घंटे के मोर देन 5,000 ही होते हैं चार्जेस। ओके, सो इसलिए डे केयर आप स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ एक या दो ही बेबीज ले लीजिए और एज ग्रुप आप डिसाइड कीजिए। जिन बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग हुई होगी सिर्फ उन्हीं बच्चों को लीजिए, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कौन से एज के बच्चे लेने हैं। अगर आप वो बच्चे ले रहे हैं तो उनको आप घर पे क्या क्या दे रहे हो, मतलब लंच ब्रेकफास्ट, वो अगर आप उनको आपकी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हो तो उनके चार्जेस भी उसमें एड ऑन हो जाएंगे। ओके, तो ये सब हो गया डे केयर वाली, वो बहुत औरतें ऑलरेडी कर रही है, मैं खुद कर रही हूँ। रीसेलिंग, सो रीसेलिंग कपड़ों का हो सकता है, ज्वेलरी का हो सकता है, हैंडबैग्स का हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ ही गई है, सो हमेशा अमेजोन फ्लिपकार्ट से ही नहीं लोग परचेस करते, ऐसे रीसेलर्स थ्रू भी बहुत सारी औरतें हैं जो परचेस कर रही है। सो उसमें मैं अब जो कर रही हूँ वो बिजनेस उसके हिसाब से मैं आपको बोलती हूँ। मैंने पहले सिर्फ कपड़ों में स्टार्ट किया था, ओनली इन कुर्तीज एंड साड़ीज। सो ये बहुत वास्ट होता है, एट ए टाइम सारे मत ले लो, ज्वेलरी भी ले ली, कुर्तीज भी ले ली, साड़ीज भी ले ली, ऐसे मत करो, फिर बहुत ये होता है, पता है बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने सारे होते हैं, साड़ी के ही डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मोर देन 8 मोर देन 10 आपको रखनी पड़ती है वैरायटी, इसलिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप नए हो इस फील्ड में, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो यह बिजनेस, तो कम से कम एक पे ही आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, तो इसमें आपकी ग्रोथ डे बाय डे पक्का होती जाएगी। ओके, और अभी ऑनलाइन बिजनेस के रिगार्डिंग, ये ऑनलाइन यानी रीसेलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐप है मार्केट में, तो उन ऐप के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। आपको अगर वो ऐप पता होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, शायद आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट है काउंसिलिंग। सो काउंसिलिंग मतलब क्या, आप मैरिज काउंसिलर भी बन सकते हो, आप पेरेंटिंग काउंसिलर भी। अगर आपकी शादी को मोर देन 15 ईयर्स हो गए या मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं, तो आपने लाइफ के बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आपको पता है कि कुछ कुछ जगहों पे कॉम्प्रोमाइज करना ही होता है, और आजकल की जनरेशन कॉम्प्रोमाइजिंग में बिलीव ही नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई। तो लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं उनके काम में, सो मेंटल पीस चाहिए लोगों को, और वो मेंटल पीस कहाँ से आ सकता है उनको ही नहीं पता। सो काउंसिलर के पास जाना सारे प्रेफर करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी बीमारी का धब्बा नहीं चाहिए होता है अपने आप पे। इसीलिए आजकल ऐसे भी
क्या बोल सकते हैं हम, कैजुअल काउंसलर बोल लो आप, या ऐसे भी काउंसलिंग का चलता है, उसके लिए आपको क्या लगेगा, इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं लगेगी, आपके घर का कुछ एक कोना आपको सिर्फ सेटअप करना पड़ेगा, ओके, टेबल एंड चेयर, वो तो घर पे होती ही है, टेबल एंड चेयर, उसको कैसे डेकोरेट करना है, कुछ नहीं डेकोरेट करना है, अभी मैंने जो सिंपल बैकग्राउंड रखा है आप पे है, आप जितना सिंपल रखोगे वो आप पे है, अगर आपको उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालनी है, आप परफेक्ट एक रूम ही रेडी करोगे, उसका फर्नीचर करोगे, तो वो तो गलती है ना। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है तो सिंपल वे में आप स्टार्ट कीजिए बिजनेस, ओके। पेरेंटिंग काउंसिलिंग क्या होता है, काउंसिलिंग करना यानी आपको सिर्फ उनको गाइड करना है, तो ये आपके ऊपर है। 10 मिनट्स का सेशन रखो, 15 मिनट्स का रखिए, एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन चार्जेस रखिए, या 15 मिनट्स का सेशन उस पे आप चार्जेस रखिए, ये आप पे है कि आपको कितने क्वेश्चंस का कितने चार्ज लेना है, या सीधे टाइम बेस पे आप चार्ज करने वाले हो, ये आप पे है। प्लीज अच्छे से सर्वे कीजिए और फिर इसमें नेक्स्ट इज ट्यूशन। आप घर बैठे ट्यूशंस भी ले सकते हो, अगर आपको आपका होल डे बिजी नहीं करना, सिर्फ दिन में 2 या 3 घंटे ही ऐसे चाहिए कि जिसमें, कभी कभी क्या हो जाता है ना कि घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन क्या होता है कि अपना मन शांत नहीं होता वो काम करके भी, वो अपने आप को जो अंदर वाली खुशी होती है ना, वो खुशी नहीं मिलती, तो कभी कभी क्या होता है कि दिल करता है कि कुछ तो करूं जिससे मेरे खुद के पैसे आए, ऐसा होता है। तो अगर आपको होल डे आपका बिजी नहीं रखना है, आपको सिर्फ दिन के 3 या 4 ही घंटे बिजी करने हैं, तो आप ट्यूशन्स ले लीजिए, आपके मन पे आपके ऊपर है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी खासी हुई है तो आप 5th स्टैंडर्ड तक ले सकते हैं CBSE बोर्ड, अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आप CBSE बोर्ड के सीनियर KG तक भी ले सकते हो। अभी जैसे मेरा फार्मेसी हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, जो फार्मासिस्ट है जिन्होंने अभी डिप्लोमा को एडमिशन लिया है, फार्मेसी के डिप्लोमा को, तो उनको मैं गाइड करने का काम करती हूँ, एंड 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं ट्यूशन भी देती हूँ, लेकिन ऑनलाइन देती हूँ, अभी घर पे नहीं बुलाती किसी को, ओके। तो ये आप पे है, मैं घर बैठ के मुझे मेरा होल डे बिजी रखना है, ये मेरा मतलब एजेंडा ही है, मुझे घर के काम तो मैं करती हूँ लेकिन मुझे होल डे बिजी रहना ही है, एटलीस्ट दिन के 5 या 6 घंटे मुझे बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं मल्टीपल बिजनेसेस करती हूँ घर पे, मेरा कुछ कुछ बिजनेस अच्छा जा रहा है, कुछ कुछ कम जा रहा है, ओके। तो इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि किसी का ये वीडियो देखा वो वीडियो देखा और उससे पॉइंट्स निकाल के आपको बोल दिए, मैं मेरे खुद के जो मैंने कर किए हैं, जो मैं कर रही हूँ उनके ही बारे में। नेक्स्ट इज योगा क्लासेस, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ लेडीज ऐसी होती है जिनको योगा बहुत पसंद होता है, सो बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो घर पे रहती है लेकिन उन्हें फिट एंड फाइन रहना बहुत पसंद है, सो आप उनके लिए योगा क्लासेस लीजिए। आपको पब्लिसिटी करनी बहुत जरूरी है, तब जाके आपको वो मॉब मिलेगा, पता है। आप सिर्फ लेडीज के भी योगा बैचेस ले सकते हो, या अगर आपको जेंट्स के लेने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप जेंट्स के भी योगा बैचेस स्टार्ट कर सकते हो, और अभी वापस सेम योगा बैच के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, कहीं और अगर आप जा पाओ तो बेस्ट है, लेकिन आप घर पे भी ले सकते हो। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हॉल का एक सेक्शन लग जाता है थोड़ा सा, अगर लेडीज ही घर पे आने वाली है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, हॉल का सिर्फ थोड़ा सा तो सेक्शन लगेगा, है ना, तो आप योगा क्लासेस आराम से ले पाओगे। उसमें तो क्या है, दिन का 1 या 2 ही घंटा आपका जाएगा। आपको ऑनलाइन लेने हैं योगा क्लासेस, आजकल ऑनलाइन भी बहुत चल रहे हैं, कोरोना की वजह से ये सीरियसली बहुत फायदा भी हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कि ऑनलाइन बहुत सारे बिजनेस को ऑनलाइन स्कोप मिला है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर आपको प्लांट्स के बारे में नॉलेज है, मेरी एक फ्रेंड है उसको प्लांट्स का बहुत शौक है, उसके घर में इतने सारे प्लांट्स है ना गैलरी में, आप उसको किसी भी प्लांट्स की पूछो केयर कैसे लेनी है, या वो गार्डनिंग वगैरह वो कैसे करना है, वो सब आपको एकदम अच्छे से बताएगी, पता है। तो वो आप स्टार्ट करो, ऑन कॉल भी हो सकता है ये, तो किसी को घर पे बुलाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि पैसे कमाने हैं कुछ करना है लेकिन मुझे नहीं पसंद मेरे घर पे कोई आए, होता है ऐसा भी एटीट्यूड होता है, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप ऑन कॉल भी ये कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो कॉलिंग करनी है, आपको देखनी है उनके गार्डन की हालत क्या है, अगर आप खुद वहां पे जा सकते हो, अगर वो बहुत नजदीक है तो वो भी आप कर सकते हो, ओके। तो जाने आने का, ट्रैवलिंग वगैरह सब उन्हीं की तरफ से आएगा ना, वो चार्ज में इंक्लूडिंग होगा, सो इसमें भी 0 इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। आप यूट्यूब का चैनल भी ओपन कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग सिर्फ नॉलेज होना चाहिए किसी भी बात का, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जब बात कर रहे हो तो आप में कॉन्फिडेंस चाहिए, वो जो झिझक होती है ना कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ,
मुझे तो क्या इतना नहीं आता, ये झिझक पहले दिल से निकाल दीजिए। आप हाउसवाइफ हो, आप बहुत ग्रेट हो, आपको पता है, क्योंकि मैं खुद वर्किंग वूमन थी। शायद मैं अभी अंदाजन बोल रही हूँ, शायद 6-7 साल में खुद वर्किंग वूमन थी, तो मुझे पता है घर संभाल के जॉब करना, तब मुझे लगता था कि मैं बहुत रॉकेट साइंस वाला काम कर रही हूँ, कि मैं तो बहुत ग्रेट हूँ, लगता था, होता ही है, ये एटीट्यूड आ ही जाता है। लेकिन जब से मैं घर पे रहने लगी हूँ, तब से मुझे पता चला है, सिर्फ घर संभालना, सिर्फ घर पे बैठना, ना पैसे मिलते हैं ना रिस्पेक्ट मिलता है। अगर आपको किसी और से रिस्पेक्ट चाहिए ना, तो अपने दिल में, अपने नजर में, अपने आप के लिए रिस्पेक्ट पहले बढ़ाइए अपने आप की, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी, यानी घर वाले आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे ही नहीं कोई करता, मैंने खुद भी करके देखा है ये सब कुछ। किसी को कुछ पड़ी नहीं रहती कि अरे तूने इतना काम किया, ओ तू इतना करती है। तो इसलिए आप हाउसवाइफ हो, इसका प्राउड फीलिंग आपको होना चाहिए, तब दूसरों को आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला बहुत हैपनिंग है सजेशन, कि अगर आप ऐसे पर्सन हो, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, आप इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। पता है मेरी मम्मी की एज की एक आंटी है जिनको मैं जानती हूँ, उनका ग्रुप है बहुत अच्छा खासा, मतलब वो मुझे पता है ना, इसलिए मुझे ये आइडिया है, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उनको देख रही हूँ ना, वो कर रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आजकल बर्थडे पार्टीज भी बहुत अच्छे से मनाते हैं लोग, तो आप सिर्फ उन्हें सजेशंस दे सकती है, यानी कि डेकोरेशन का सजेशन। एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के लिए आपको सिर्फ सजेशंस देने होंगे कि क्या गेम ले सकते हो, कैसे डेकोरेट कर सकते हो। ओके, सो थीम क्या रखनी है, आजकल बहुत होता है थीम वाइज होते हैं। सो थीम अगर हो गई तो कपड़े का कलर की थीम होती है, या जो डेकोरेशन होता है उसकी थीम होती है। तो अगर आपको उसका नॉलेज है, ऐसी बहुत लेडीज होती है, स्पेसिफिकली एंड स्पेशली हाउस वाइफ्स को ही ये नॉलेज ज्यादा होती है। अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखिए, अपने आप की वर्थ पहचानिए। ओके, तो आप इवेंट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, पता है। सो बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, भराई की रस्म, उसके लिए भी थीम वाइज डेकोरेशन। जहाँ पे रहते हो स्टेट में, तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंगली कुछ लोकल फंक्शंस ऐसे होते हैं। जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते, तो हमारे यहाँ मंगलागौर सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से होता है सेलिब्रेट। तो अगर आप मंगलागौर सेलिब्रेशन के बारे में पता है आपको सब कुछ, तो आप ग्रुप में, ओके, ये वाला सेलिब्रेशन, तो ये वाला काम तो आपको ग्रुप में करना होगा। तो आप अगर ग्रुप में ये करोगे, आपको वहां जाके क्या करना है, सिर्फ डेकोरेशन की अरेंजमेंट्स देखनी है। मंगलागौर का बोल रही हूँ, तो आपको सिर्फ वहाँ पे डेकोरेशन की अरेंजमेंट्स देखनी है, खाने पीने का क्या क्या रखना है, मेनू वगैरह वो सब क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनको एक ही पर्सन के थ्रू सारे सजेशंस चाहिए होते हैं, वो अलग 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 जाके पैसा वेस्ट करना पसंद नहीं करते, तो वो आपका हो गया प्लस पॉइंट। ओके, आपको इन सब चीजों का नॉलेज है, तो आपका दिमाग इस चीज में इन्वेस्ट कीजिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट इतना बेस्ट बिजनेस, नेक्स्ट बिजनेस ऐसा है कि आपकी एजुकेशन इतनी नहीं है, आपको कुछ, ये जो अभी लिस्ट दी, इनमें से कुछ पसंद नहीं आया, होता है ना, किसी किसी का शाई नेचर होता है, या किसी किसी को क्या होता है कि उनका फोर्टे क्या होता है, वो अच्छे से मालिश वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बेबीज की मालिश। अगर आपकी एज अच्छी खासी है और आपको नॉलेज है इन सब चीजों का, तो आप एक बेस्ट मालिश देने वाली आप बन सकते हो। छोटे छोटे बच्चों की मालिश कीजिए, ओल्ड एज लोगों की भी मालिश होती है, सिर्फ घुटनों की मालिश होती है, फुल बॉडी मसाज होता है, या बेबी की भी मालिश होती है, बेबी की मम्मा की भी मालिश होती है। ओके, ओनली मसाज करना है, ऑयल मसाजिंग के बारे में बोल रही हूँ मैं आपको, नथिंग एल्स। और प्लीज मुझे पक्का वाला बताइए कि ये जो मैंने सिंपल सिंपल आइडियाज दिए, बहुत सिंपल सिंपल दिए, ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। तो अगर आपको इनमें से आइडियाज अच्छी लगी होंगी ना, तो आपको एग्जैक्टली कौन सी आइडिया अच्छी लगी और आपने एक्चुअली वो स्टार्ट किया घर पे बैठ के काम, तो वो मुझे प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। क्योंकि क्या होगा, मैं तो खुद इतनी ज्यादा खुश हो जाऊंगी कि बस, लेकिन आपकी वजह से ना किसी को मोटिवेशन आएगा, अच्छा ये हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, वीडियो देखने के लिए देख लेते हैं लोग, लेकिन उनको नहीं ऐसे बिलीव होता कि ये थोड़ी ना हो पाएगा। लेकिन मैंने जो मेरे आसपास देखा है, मैंने वही बिजनेसेस लिए हैं। ये आप खुद भी देख रहे होंगे कि ये कितना, ये क्या बोल रही है, मुझे भी पता है ऐसे भी होता है, लेकिन पता है, लेकिन शुरू करने की किक नहीं मिलती कभी कभी, तो वो बस देने की मैं कोशिश करूं। नेक्स्ट बिजनेस क्या हो सकता है, अगर रसोई में बहुत इंटरेस्ट है, ट्रस्ट में
ऐसी बहुत लेडीज़ होती है जिनके हाथों में जादू होता है, और मेरे जैसी बहुत सारी आलसी लेडीज़ भी होती हैं जिनको रसोई अच्छी खासी आती है, जिनको सब आता है, लेकिन फंक्शन के वक्त नहीं बनाना, ऑर्डर करेंगे, मैं तो नहीं बनाती। 30-30, 40-40 लोगों का मेरे से नहीं होता। हालांकि मैंने बनाया है, वो नया नया होता है ना, नई शादी है, अच्छा इनके फ्रेंड्स आए हैं, तो मैं पाव भाजी बनाऊंगी, तो मैं तो रगड़ा पूरी बनाऊंगी, तो वो मैंने भी किया है वो सब कुछ। लेकिन अब इतने सालों के बाद वो होता है ना कि छूट जाता है वो क्रेज। लेकिन ऐसी औरतें भी होती है जिनका के हाथों में जादू होता है, सच में होता है। तो आप प्लीज वो बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सिर्फ स्नैक्स के ऑर्डर लीजिए। अगर आपको बहुत ज्यादा बखेड़ा नहीं खड़ा करना है, और आप अभी बोलेंगे कि अगर कुकिंग के ऑर्डर्स लेनी है तो उसमें बहुत सारा सामान वगैरह परचेस करना पड़ेगा, तो वो तो आ गया इन्वेस्टमेंट का काम। नहीं, हम पहले एडवांस भी तो ले सकते हैं, कंपलसरी पहले एडवांस लेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर फिर कंफर्म हो जाती है, फिर उसी एडवांस से हम परचेस करेंगे, और फिर बाकी का प्रॉफिट तो अपना ही है। तो ये विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला ही काम है। ओके, सो आप टिफिन प्रोवाइड कर सकते हो, आप स्नैक के ऑर्डर ले सकते हो। आजकल जो किटी पार्टीज होती हैं वहाँ पे भी स्नैक के ऑर्डर अच्छे खासे मिल जाती हैं आपको, और कुछ नहीं होता, सिर्फ 10-12 लोगों का ही बनाना होता है। ओके, तो आप डिसाइड करो आपको एग्जैक्टली करना क्या है इन सब में से, तो वो आप। लेकिन ये सारे बिजनेस करने के लिए ना पब्लिसिटी होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपको हेयर स्टाइल्स आती है, कोई कोई होता है ना ऐसे कि उन्हें हेयर स्टाइल्स मतलब इनबिल्ट ही होता है, पर्टिकुलरली आप जाके हेयर स्टाइल सीख के आओ, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। किसी किसी को होता है कि उनको सिंपल तरीके की हेयर स्टाइल्स बहुत आती है, तो आजकल ना छोटे छोटे जो फंक्शंस होते हैं ना, तो उसमें हेयर स्टाइल करना बहुत प्रेफर करते हैं लोग। तो आप हेयर स्टाइल के क्लासेस ले सकते हो, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। सो अगर आपको हेयर स्टाइल्स अच्छे से आती है, तो आप सिर्फ 50-50 रुपीस चार्ज करके भी बहुत ऐसी लेडीज है। मैंने खुद कितनी बार हेयर स्टाइल करा के लिए बाहर से, किसी छोटे छोटे फंक्शंस के लिए, सो ओनली 50 रुपीस, कोई 100 रुपीस चार्ज करता है, इतना ही होता है। कोई हेयर एक्सेसरीज नहीं लगाते वो अपनी तरफ से, सिर्फ सिंपल एंड एलिगेंट हेयर स्टाइल करके देते हैं। सारा सामान अपना खुद का होता है, मतलब मेरा होता है, हेयर क्लिप्स, रबर बैंड्स, जो भी कुछ भी मैं लगाऊंगी वो मेरा होता है। ओके, सो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो क्या होता है, देखने में सिर्फ 50 रुपीस के लिए कौन करेगा, स्टार्ट तो कीजिए, क्या पता इसी में आपकी लॉटरी लग जाएगी। सो धीरे धीरे कोई भी बिजनेस ना धीरे धीरे ग्रो। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और आइडियाज पता होंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले, तो कमेंट बॉक्स में मैसेजेस कीजिए, शायद आपकी वजह से किसी को हेल्प हो जाएगी। ओके, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं बहुत डिफरेंट कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बेसिकली वही वीडियोस बनाती हूँ जो यूजफुल लगेंगी। ओके, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज लाइफ सिंप्लीफाइड असारिका। टिल देन, बाय।